देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस रहती हैं, और समय की कोई इसके अंदर सीमा नहीं है। एक जर्नलिस्ट को देर रात तक भी अपने काम को समय डिवोट करना पड़ता है। इसके साथ साथ दिन में भी सारा दिन जो दौड़ भाग है वो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ती है। तो ये एक विचार यहाँ पे जो हमारे स्थानीय जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ डिस्कस करके विचार आया कि एक जो हेल्थ कैंप है वो करवाना चाहिए आयोजित, और इसमें हिमाचल धर्मशाला प्रेस ट्रस्ट ने ये पहल ली, और इसके साथ साथ जो है हमारा ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी और अन्य हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं उन्होंने भी साथ में इसके इस एसोसिएशन इस मूवमेंट के साथ जुड़े, और हमने रिक्वेस्ट की हेल्थ अथॉरिटीज़ को कि एक ऐसा जो कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और उन्होंने रेडिली MS साहब और CMO साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, और एक जो आप आज प्रारूप देख रहे हैं उसको एक जो परिकल्पना है उसकी की गई। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे 16 नवंबर को इसका एक फॉर्मल इसका जो है वो सभी को DPRO साहब के माध्यम से सभी को बताया भी गया कि ऐसा जल्दी ही एक जो मेडिकल कैंप है जर्नलिस्ट के लिए वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और आज 28 नवंबर इसकी जो डेट है वो तय की थी। और आज जो आज सुबह तक लगभग हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी पूरे ज़िले में 128 जर्नलिस्ट के आसपास जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था। और इस कैंप के अंदर जो सुविधाएं हैं इसमें एक तो जो जनरल हेल्थ चेकअप है, डेंटल चेकअप है, ENT का चेकअप है, आई का चेकअप है, हमारी लेडी जर्नलिस्ट के लिए गायनी का जो चेकअप है, और एक जो जो हेल्थी लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं उसके लिए साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है वो भी आज यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ साथ एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, जो ब्लड के टेस्ट हैं उनको भी यहाँ पे सभी जर्नलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यदि किसी को कोई बीमारी निकलती है उसके लिए मेडिसिन का भी यहाँ पे फ्री में जो प्रावधान है वो किया गया है, और इससे मैं मानता हूँ कि अच्छा ये सार्थक कदम रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी बीमारियों को, अपनी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक जो एक अर्ली डायग्नोसिस यदि किसी को कोई बीमारी है वो यहाँ पे अचीव कर पाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ उसकी जो एक ट्रीटमेंट है ताकि उसके जो लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम हैं वो ना आए उस बीमारी के, तो एक मैं मानता हूँ सार्थक कदम है। और इससे पहले भी जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन स्पेसिफिक जो कैंप्स हैं वो मीडियम पर्सन के लिए लगाए थे, तो एक ये उससे भी अपना एक आगे एक स्टेप फर्दर है। सभी जो एनुअल हेल्थ चेकअप की हम बात करते हैं वो यहाँ पे जो है वो अकम्प्लिश की जाएगी, और मैं इस शिविर के लिए जितने भी हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हैं, हमारे IKEA डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और शिविर के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।